हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज संजू ठाकुर एंड नाउ वेलकम टू टारगेट फोकस वन स्टेप टू वर्ड सक्सेस बेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर हेडक्वार्टर्स, यानी आज डिस्कस करेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या फिर इंटरनेशनल एजेंसीज एंड उसके हेडक्वार्टर डिस्कस करेंगे। तो ध्यान दीजिए, मैक्सिमम जो भी एग्ज़ाम होते हैं उनका फेवरेट क्वेश्चन होता है ये। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है, किसी का हेडक्वार्टर पूछ लेते या फिर पूछ लेते कि कोई ऑर्गेनाइजेशन कब इस्टेब्लिश किया गया। ठीक हो गया, तो बढ़ते अपने लेक्चर में आगे। तो ध्यान दीजिए, पहले डिस्कस करेंगे जिनेवा को। तो जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्ज़रलैंड में। तो नोट्स बनाइएगा साथ साथ में। अब देखो ध्यान से, जिनेवा में जिस जिस के हेडक्वार्टर्स हैं, यानी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर तो बहुत सारे शॉर्ट लिस्ट कर रखे मैंने, अगर आप लोगों ने इसके नोट्स बनाए तो नोट्स बना सकते हैं, बट जिसको मैं हाईलाइट करवाऊँगा यानी जिस पर मैं ज़्यादा फोकस करूँगा वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछा जाता है और उसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है। अब देखो, फर्स्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1948 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? जिनेवा में। ठीक हो गया। और सेकंड पर है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी बार पूछा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। तो इसका जो इस्टेब्लिश किया गया इसको 1995 में इस्टेब्लिश किया गया। ठीक है। तो नेक्स्ट है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की जो इस्टेब्लिश किया गया इसको 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया। उसके बाद है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, मौसम संबंधी जो संस्था है उसका स्थापना किया गया 1950 में। ठीक हो गया। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन ITU, काफ़ी बार पूछा गया है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसको इस्टेब्लिश किया गया 1865 में। इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, जिस नोट्स बनाने वो बना सकता है। अगला ऑर्गेनाइजेशन है ISHR, तो काफ़ी बार पूछा गया है ISHR स्टैंड फॉर इंटरनेशनल सर्विस फॉर ह्यूमन राइट्स, इसका इस्टेब्लिश किया गया इसको 1984 में। एक है ISO, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया होता है ISO, तो यह है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, इसके इस्टेब्लिशमेंट किया गया 1947 में। ठीक हो गया। उसके बाद है IPB, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल पीस ब्यूरो 1891। क्लियर है। इस्टेब्लिशमेंट ईयर भी पूछ लेते हैं, एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा में। तो बिल्कुल अलग से मैंने इनको अरेंज कर रखा है, जिनका हेडक्वार्टर जिनेवा में है और वाशिंगटन में है या फिर वियना में है या जकार्ता में है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पहला वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, काफ़ी बार पूछा गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मैक्सिमम पूछा जाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक हो गया। उसके बाद है ILO भी इंपॉर्टेंट है, और WMO भी इंपॉर्टेंट है, ITU भी इंपॉर्टेंट है, और ISHR इंपॉर्टेंट है, और ISO भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IPB इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। साथ में इनके नोट्स बना दीजिएगा, नोट्स काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं शॉर्ट टर्म में जब आपने रिविज़न करना होता है। तो अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वियना के। वियना यानी ऑस्ट्रिया में वियना, तो सभी जिन जिन का हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया यानी वियना में है तो उनको डिस्कस कर लेते हैं। काफ़ी बार पूछा जाता है वियना में किस किस के जो है, जैसे फर्स्ट है ओपेक, एक ओपेक है, एक एपेक है, तो एपेक का सिंगापुर में डिस्कस करेंगे उसको, और ओपेक का कहाँ पर है? वियना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओपेक बोले तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री की स्थापना हुई थी 1960 में। तो अगला है यूनिडो, यूनिडो यानी यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान दीजिए क्या है यूनिडो का मतलब, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका इस्टेब्लिश किया गया था 1957 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना में। और एक इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम, UNODC, ठीक है, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में। तो यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट यहाँ पर ओपेक है, यूनिडो है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, काफ़ी बार पूछा जाता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी कहाँ पर है, तो ये है वियना में, और यूनिडो का जो हेडक्वार्टर है वो भी वियना में, और ओपेक का भी वियना में। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं न्यूयॉर्क, तो न्यूयॉर्क सिटी यानी USA में है न्यूयॉर्क सिटी, तो जिसके भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे UNO यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना की गई थी 1945 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। और उसके बाद है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इसका भी इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में, और इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, ठीक हो गया, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1969 में। तो ध्यान दीजिए कब किया गया था इसको इस्टेब्लिश, 1969 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी UNICEF, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में। यहाँ पर आपने कंफ्यूज नहीं होना है, UNICEF इसका मतलब यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड,
ठीक हो गया। ध्यान दीजिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको 1945 में इस्टेब्लिश किया गया, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इसको 1965 में इस्टेब्लिश किया गया, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, न्यूयॉर्क में। और नेक्स्ट है यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, इसको 1969 में इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और साथ में यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड यानी यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चाइल्ड एमरजेंसी फंड, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1946 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका, न्यूयॉर्क में। तो नेक्स्ट है वाशिंगटन DC, तो वाशिंगटन DC, तो ध्यान दीजिए वाशिंगटन DC में किस किस का हेडक्वार्टर है। पहली बात तो ये है कि जो भी मनी से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में, ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC, वर्ल्ड बैंक 1944 में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, IBRD, इसका इस्टेब्लिश किया गया 1944 में। तो एक ही बात है, ये एक ही चीज़ है वर्ल्ड बैंक और ये IBRD। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में, IMF, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का जो हेडक्वार्टर है वो है वाशिंगटन DC में, ठीक हो गया। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन को जो है इस्टेब्लिश किया गया था 1956 में, और हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन DC में, ठीक हो गया। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन ITSO, 1964 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, हेडक्वार्टर इसका है वाशिंगटन DC में। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1950 में, हेडक्वार्टर इसका वाशिंगटन DC में। एग्जाम में पूछा जा सकता है, हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो वर्ल्ड बैंक को पूछा जा सकता है, IMF को पूछा जा सकता है, या फिर IFC को पूछा जा सकता है। तो इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वाशिंगटन DC में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वाले, वर्ल्ड बैंक, IMF और IFSC, ठीक हो गया। नेक्स्ट है जकार्ता, यानी जकार्ता कहाँ पर है, इंडोनेशिया में। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर जकार्ता में, उसमें से दो प्रमुख है, आसियान और नाम। तो आसियान स्टैंड्स फॉर द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1967 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका, जकार्ता में। और नेक्स्ट है नाम, नाम स्टैंड फॉर नॉन अलाइंड मूवमेंट, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, और हेडक्वार्टर है इसका जकार्ता में। तो नेक्स्ट है लंदन, यानी UK में पड़ता है लंदन। तो जिसका भी हेडक्वार्टर लंदन में है, उसमें से भी दो प्रमुख है, IMO और कॉमनवेल्थ। तो कॉमनवेल्थ को इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में, कई बार पूछा जाता है इस्टेब्लिशमेंट ईयर। तो कॉमनवेल्थ को इस्टेब्लिश किया गया था 1965 में, और हेडक्वार्टर इसका है लंदन में। और IMO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट कॉमनवेल्थ को पूछा जा सकता है यहाँ से। तो नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट लियोन फ्रांस, तो लियोन फ्रांस में है मुख्यालय किसका, इंटरपोल का। इंटरपोल को इस्टेब्लिश किया गया था 1923 में, यहाँ पर हो सकता है थोड़ा सा समझना है, तो 1923 में इस्टेब्लिश किया गया था इंटरपोल को। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ पर है, लियोन फ्रांस में। तो ध्यान रखिएगा, काफ़ी बार पूछा गया है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है, लियोन फ्रांस। इंटरपोल जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक हो गया। इसको कब, 1923 में इस्टेब्लिश किया गया था। नेक्स्ट है पेरिस फ्रांस, एक है लियोन फ्रांस, वहाँ पर इंटरपोल का मुख्यालय है। और पेरिस फ्रांस में किस किस का है, यूनेस्को का है, ESPA का है, ICC का है, ठीक हो गया। यानी जो आपके एजुकेशन से रिलेटेड है, कल्चर से रिलेटेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, उनका कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में। अब देखो ध्यान से, यूनेस्को स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर हुआ, हेडक्वार्टर कहाँ पर हुआ, पेरिस फ्रांस में। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, ठीक हो गया। और नेक्स्ट है ESA, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1975 में, इंपॉर्टेंट है वैसे। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का मुख्यालय भी कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में। और नेक्स्ट है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC, 1919 यानी 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, क्या, इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इसका भी कहाँ पर है, पेरिस फ्रांस में। तो नेक्स्ट है ब्रुसेल्स बेल्जियम, तो बेल्जियम में है ब्रुसेल्स। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स में है, वो उसमें से दो मुख्य है, EU और नाटो। EU स्टैंड्स फॉर यूरोपियन यूनियन, यूरोपियन यूनियन को इस्टेब्लिश किया गया था 1993 में, और इसका कहाँ पर है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। और नाटो वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम में, ये आता ही आता है। नाटो को इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में, कब इस्टेब्लिश किया गया था, 1949 में। तो नाटो स्टैंड फॉर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1949 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका, ब्रुसेल्स में। ध्यान दीजिए अगला है काठमांडू, काठमांडू कहाँ पर पड़ता है, नेपाल में, ठीक हो गया। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मुख्यतः किसका मुख्यालय है, सार्क का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, काठमांडू में। सार्क स्टैंड फॉर साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1985 में,
क्या क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपोरेशन सार्क, हेडक्वार्टर इसका काठमांडू में। नेक्स्ट है मनीला फिलीपींस, तो फिलीपींस में है मनीला। तो यहाँ पर काफ़ी बार पूछा गया है ये, वैसे ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मनीला में, ठीक हो गया। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1966 में, क्लियर हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो नेक्स्ट है शंघाई चाइना, ठीक है। अब देखो शंघाई कहाँ पर पड़ता है, चाइना में। यहाँ पर है ब्रिक्स का मुख्यालय, तो ब्रिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई चाइना में है। ब्रिक्स स्टैंड फॉर ब्राज़ील रसिया इंडिया चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में, कब इस्टेब्लिश किया ब्रिक्स को, 2006 में, और हेडक्वार्टर कहाँ पर है, शंघाई चाइना में। ध्यान दीजिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे APEC को, यानी APEC एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है सिंगापुर में, और इस्टेब्लिश किया गया था इसको 1989 में। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा OPEC और APEC में। OPEC यानी यहाँ पर ध्यान देना ऑर्गेनाइजेशन पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ये है वियना में, और APEC यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, यहाँ पर करेक्शन कर लेना, APEC है ये। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसका वियना में, और इसका है सिंगापुर में, ठीक हो गया। इसको 1960 में इस्टेब्लिश किया गया था, इसको 1989 में इस्टेब्लिश किया गया। नेक्स्ट है द हेग, यानी ये कहाँ पर पड़ता है, नीदरलैंड में। अब देखो ध्यान से, कई बार पूछा गया है ये वाला क्वेश्चन, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ICJ इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1945 में। ICJ कई बार पूछा गया है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, द हेग में। द हेग में क्या है, इसका जो बिल्डिंग है उसका नाम है पीस पैलेस, ठीक हो गया। क्या नाम है, पीस पैलेस, ठीक है। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन, OPCW इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1997 में, और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, द हेग। नेक्स्ट है मैड्रिड स्पेन, कहाँ पर पड़ता है, मैड्रिड स्पेन में। तो यहाँ पर देखो ध्यान से WTO और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया था 1995 में, और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया गया है 1974 में, ठीक हो गया। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका जो मुख्यालय वो है जेनेवा में, और वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन इसको इस्टेब्लिश किया गया 1974 में, इसका कहाँ पर मुख्यालय, मैड्रिड स्पेन में। नेक्स्ट है बर्न, स्विट्जरलैंड में है बर्न। तो यहाँ पर जो है UPU यानी यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो इस्टेब्लिश किया गया था 1874 में, तो UPU का मुख्यालय कहाँ पर है, बर्न में। तो नेक्स्ट है कोपेनहेगन, कोपेनहेगन कहाँ पर पड़ता है, डेनमार्क में, ये भी इंपॉर्टेंट है। कोपेनहेगन में किसका मुख्यालय है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर प्रोजेक्ट सर्विस, 1973 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था, UNOPS इसका मुख्यालय है कोपेनहेगन में। तो नेक्स्ट है टोक्यो, टोक्यो यानी जापान में है टोक्यो। तो यहाँ पर जो है UNU यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी 1973 में इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है टोक्यो में। तो ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट है नैरोबी केन्या, तो नैरोबी कहाँ पर है, केन्या में, और यहाँ पर है UNEP जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1972 में। UNEP का मुख्यालय कहाँ पर है, नैरोबी केन्या में। तो UNEP स्टैंड्स फॉर यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। तो ध्यान दीजिए UNEP एक है UNDP यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, तो उसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर था, न्यूयॉर्क में, ठीक हो गया। तो न्यूयॉर्क में, और यहाँ पर क्या है, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यानी UNEP, इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। UNEP का मुख्यालय नैरोबी केन्या में, और UNDP का है न्यूयॉर्क में, ठीक हो गया। और नेक्स्ट है UNHABIT यानी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन सेटलमेंट प्रोग्राम इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1978 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नैरोबी केन्या। नेक्स्ट है रोम इटली, इटली में पड़ता है रोम। तो यहाँ पर वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 1961 में, और WFP इसका मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में। नेक्स्ट है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इसको स्टैब्लिश किया गया था 1945 में, इसका भी मुख्यालय कहाँ पर है, रोम में। तो नेक्स्ट है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट 1977 इसका भी कहाँ पर है, रोम इटली में। और आज का लास्ट है बेसल, स्विट्जरलैंड, बेसल। तो यहाँ पर है BIS काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1930 में, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट BIS इसका कहाँ पर है, BIS बेस बेसल। इस लेक्चर में इतना ही करेंगे, तो आई होप सो आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए टारगेट फोकस की टीम के साथ।